आई एम डॉक्टर रश्मि जैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वॉव इंडिया ग्रुप। डॉक्टर शारदा जैन, थर्सडे को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है गर्भपात के बारे में, आप उसके बारे में कुछ बताइए। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये MTP एक्ट 2021 में जो आया है उसी की उन्होंने व्याख्या की है, और इसका बड़ा बढ़िया परिणाम, दूरगामी परिणाम जो है, ना ली हिंदुस्तान में रहेगा पर बाहर भी रहेगा। उन्होंने कहा है कि 2021 में जो लॉ आया है उसमें MTP जो है एक रजिस्टर्ड जगह पर ही हो पाएगी, रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा ही हो पाएगी। और जहाँ तक महिला का सवाल है, गर्भपात चाहे वो विवाहित हो और चाहे वो अविवाहित हो, दोनों को 20 हफ्ते तक एक डॉक्टर की अनुमति से हो जाएगा और 20 से 24 हफ्ते तक दो डॉक्टर की अनुमति से होगा। 24 हफ्ते के बाद उसको मेडिकल बोर्ड में जाना पड़ेगा और मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि इस प्रेगनेंसी का गर्भपात करवा सकते हैं कि नहीं। उसमें वही मेल फॉर्म्ड बच्चे हैं उनके लिए वो गर्भपात की सुविधा है। नाउ जो ऐतिहासिक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया है उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो मैरिड है और जो अनमैरिड है उसमें कोई फर्क नहीं होगा। महिला की इच्छा और उसके दस्तखत से ही काम चल जाएगा, उसके पार्टनर या उसके हस्बैंड के दस्तखत की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये था कि अगर कोई रेप से प्रेगनेंसी हो गई है, दुष्कर्म के द्वारा प्रेगनेंसी हो गई है, तो खाली कोर्ट ही उसको बता सकता था 20 हफ्ते के बाद टर्मिनेशन करने के लिए। अब उसमें भी बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है कि इस महिला को भी कानून के तहत जो भी मर्यादाएं दी गई हैं उसके उसमें काम कर सकेंगे, अब कोई लीगल सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसमें महिला मैरिड और अनमैरिड में कोई फ़र्क नहीं है, और 20 हफ्ते तक एक डॉक्टर के द्वारा और 20 से 24 हफ्ते के द्वारा दो डॉक्टर के द्वारा अनुमति की ज़रूरत है, और रेप के मामले में उसकी कंसेंट से ही काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है।